इंदौर जिले की महू विधानसभा के पूर्व विधायक इंदर सिंह दरबार और पंकज संघवी शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं भाजपा में शामिल होने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि जिन नेताओं को कांग्रेस पहले ही निष्कासित कर चुकी है वही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान वह मोदी सरकार पर भी जमकर बरसते नजर आए हैं। अध्यक्ष बने उसके बाद से कई सीनियर नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। किसने के नाम बताओ एक आज का पंकज संघवी है जैसा है। अंतर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हमने उनको निष्कासित कर रखा है, पार्टी से बाहर कर रखा है। अगर वो गए तो उनको धन्यवाद, हमारी पार्टी में नहीं थे वो बीजेपी में ही थे। इसका इसके पहले जो लोग गए उसको मैं वक्तव्य दे चुका हूँ, 80% लोग वो बीजेपी में गए हैं जिन लोगों को पहले ऑलरेडी हमने निकाल रखा था, आज हम वो लिस्ट जारी करा दें। जीतू भी ये कमलनाथ जी को टारगेट कर रही है बीजेपी, क्योंकि वहां भी कुछ पार्षदों को बीजेपी ज्वाइन करवाएगा। नहीं ऐसा ये फिर वो बात है, कैसे कर रही है टारगेट। अभी भी हमारे यहाँ से जो गए हैं उसका मैं वक्तव्य, हम हमारी पार्टी में ही नहीं थे तो नेचुरल है कोई बात सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जिस तरह से लिस्ट जारी है बूथ पर जा रहे तो तमाम तक देखो एक मैंने कल सुना था मैंने कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा 370 को लेकर अपना बयान दिया था। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं और हमारा भी दायित्व है कि हम किसी बूथ पे अगर 370 लोग कर्जदार नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता बताएं किसी बूथ पर 370 बेरोजगार नहीं मिले तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी बताएं किसी बूथ पर 370 का 10% 37 लोग पूरे 10 साल में कोविड में या आत्महत्या में या किसी भी तरह की सरकार की यातनाओं से घटित कोई मौत नहीं हुई हो तो भारतीय जनता पार्टी बताए 10%। जैसा मैंने कहा कोविड में बीजेपी की यातनाओं से महंगाई और बेरोजगारी से किसी ने आत्महत्या नहीं की हो वो, और अन्य सरकारी यातनाओं से ऐसा एक भी बूथ नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम 37 लोगों ने इस 10 साल में अपने या 20 साल में बीजेपी की जब से यहाँ गवर्नमेंट है जब से लेके आज तक और 10 साल की नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है मौत नहीं हुई हो तो वो बूथ बताएं। मैं चुनौती देता हूँ बीजेपी के अध्यक्ष को और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी, ऐसा एक बूथ ला के दें जहाँ 370 रोजगार दिए हों, 370 किसानों की मदद की हो, 370 कर्जदार विहीन, 370 से ज्यादा किसान हर बूथ हर गांव में कर्जदार है। अभी मैंने जैसा कहा आज ट्वीट भी किया है, SBI ने 18,871 लोगों ने चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की, 20,411 चंदा लेने वालों की सूची भी है, 1550 लोगों की सूची में का अंतर है। 2019 के पहले की लिस्ट SBI ने भी नहीं दी, वहां भी गड़बड़ है, और ये SBI पहले भी नहीं दे रही थी जो कोर्ट ने फटकार लगाई तब दी। इसका मतलब ये है कि मोदी मित्र सूट बूट और लूट की सरकार जो राहुल गांधी जी कहते थे उनका नाम नहीं है इसमें, क्यों भैया क्यों नहीं है, और ये 19 से पहले के नाम क्यों छुपाए गए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देशवासियों जानो हम बदलाव के लिए नया भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ महंगाई रहित देश बने, किसानों की आमदनी बने, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए मोदी जी को हमने चुना था, भारतीय जनता पार्टी को चुना था। एक भी नारा नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने 20 साल में दिया 10 साल पहले दिया पूरा हुआ हो तो मैं सोचता हूँ कि आपका जो आपने मत दिया देश ने भरोसा किया वो वाजिब है, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम लोगों को देशवासियों को विचार करना चाहिए। मैंने जैसा कहा कोविड की यातनाएं जब सह रहा था जब बीजेपी चंदा ले रही थी 50 करोड़ रुपए जिस वैक्सीन कंपनी को उन्होंने ठेका दिया था या
सबसे पहले अनुमति दी थी, उसने भी बीजेपी को चार दिन पहले, जिस दिन अनुमति दी उसके चार दिन पहले 50 करोड़ का चंदा बांड में दिया है, एक नंबर में दिया है। दो नंबर में कितना दिया होगा अकल्पनीय है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में बेरोजगारी नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री है, अगर आपके घर में महंगाई की मार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, अगर आपके घर में किसी प्रकार का नशा कोई बच्चा या परिवार का साथी नहीं करता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, अगर किसान है उसकी आमदनी बढ़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, अगर किसान पे कर्ज नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, अगर आपने कोविड में अपने परिवार वालों को नहीं खोया या आप बीमार नहीं हुए, आपने आपको लुटवाया नहीं, आप हॉस्पिटल में पैसे देके नहीं आए तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है, पर अगर सब यातनाएं आप सह रहे हो तो फिर सिर्फ भावनाओं से नरेंद्र मोदी जी झूठ का माया जाल फैलाकर भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट लेती है, आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए विचार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं यह अभी बानगी आई है, इसके और खुलासे होंगे, पूरे देश में इसके आंदोलन भी होंगे। मध्य प्रदेश में जैसा लगातार अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगाने की कोशिश करती है, ये संकट है आपके लोकतंत्र पे, अहंकार है रावण जैसा ये भाषा बोल के, ये इस तरह का फिनोमा ऐसा कि पूरी मीडिया भी इनके साथ है। क्यों? इसलिए कि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल सरकार पे डिपेंडेंट हो गया है, जकड़ गया है, जिससे लोकतंत्र बचाने वाली मीडिया लोकतंत्र अब खतरे में हो वो भी नहीं बता पा रही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध, देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, कई चैनलों में मेरी बात ये नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, पर मेरे खुद के ट्विटर अकाउंट पर यह बात आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं फिर से एक बार देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ, काला धन लाने वाली बीजेपी ने, देश में हर व्यक्ति को 15-15 लाख देने वाले नरेंद्र मोदी ने काला धन पूरे देश से अपनी भारतीय जनता पार्टी में डलवाया है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन कंपनियों पर रेड डली ईडी की और सीबीआई की, उन सब ने चंदा दिया बीजेपी को। ये क्या है? चंदा की उगाही नहीं है तो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में एक दारू का माफिया है जिसकी गिरफ्तारी हुई, 34 करोड़ रुपए उसने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खाते में दिए और 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसकी जमानत हुई। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि काले धन की लूट, चंदे की लूट एजेंसी बन गई हमारी भारत की व्यवस्था, ये चंदा उगवाने में, और ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। धन्यवाद। मैं सभी